अस्सलाम वालेकुम गाम वाला यूसुफ सलाम, मैं हूँ काजिम बल्ती। और जैसे कि आपको पता है कि हम स्कर्दू पहुँच चुके थे, मुकाबला है सख्त और टाइम है बिल्कुल कम, तो जाना है बहुत दूर। तो अभी बस ये स्कर्दू सिटी है, इसको खैराबाद कहेंगे और यहाँ से हम गांछे की तरफ निकलेंगे। तो आप स्कर्दू सिटी का व्यू देख सकते हैं सामने, वो सरफरंगा डेजर्ट आपको नज़र आ जाएगा। और ये देखिए खूबसूरत सी ग्रीन लश जो है वो सीनरी यहाँ पर मौजूद है। तो बस हमारी ठुल्लो महारानी वहाँ हमारा इंतज़ार कर रही है, ठुल्लो महारानी को स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन है खरफा, जो कि हमारे वालिद साहब का जो है वो गांव है, वहाँ जाएंगे, रात वहाँ स्टे करेंगे। फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन उससे आगे खपलू है, तो खपलू के अंदर थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। फिर सलिंग है, तो टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। चलो हो जाएंगे। हाँ क्या करना है, तो जी गोल पे रुके हैं और चाय का स्टॉप लिया हमने। आंखें देखिए कैसी हो गई है, बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही है, मौसम जो है वो बारिश का हुआ है। चाय मंगवाइए और साथ क्रोसर लेंगे, गोल से जो है वो चाय वगैरह पी ली है और अब जो है वो सफ़र फिर से स्टार्ट हो गया। टाइम जो है वो 5:30 हो चुके हैं शाम के, मौसम आप देख सकते हैं। आगे जी रेत का तूफान आ चुका है, मेरी आवाज से आप लोगों को अंदाजा हो रहा होगा कि रोड पे कितने गड्ढे हैं। ये ड्राइवर हो गया चेंज, 1 घंटे मैंने बाइक चलाई है, अब 1 घंटे ये चलाएंगे, तो इसी तरीके से सफर करते करते जाएंगे। अभी गोल हमने पीछे छोड़ दिया है, अब आगे फिर सारा सफर, अब फिर इसके बाद गांव आएंगे, फिर 1 गांव आएगा, फिर 2 गांव आएंगे, इस तरीके से गांव आते जाएंगे। तो जी बस ये स्कर्दू की हदूद यहाँ से ख़त्म हो जाएगी है, सामने जो मिल ब्रिज है वो आएगा हुमायूं ब्रिज, और हुमायूं ब्रिज के बाद जो अगला जो एरिया है वो फिर शुरू हो जाएगा गांछे। तो गांछे पूरा डिस्ट्रिक्ट है और ये जो जाता है वो है सियाचिन तक जाता है ये, अगर आप जाएं तो आपको इंडिया बॉर्डर तक जा सकते हैं आप। ये देखिए क्या आ गया, हुमायूं ब्रिज, इसमें हुमायूं शहीद आया था तो इसका नाम हुमायूं रखा है। ये दरिया बहता हुआ तो जी अब जो हम पहुंच चुके हैं वो है ये हमारे राइट लेफ्ट हैंड पे क्रेस्ट, क्रेस्ट का गांव है ये, क्रेस्ट क्रेस्ट का, अगर आप इस पे चढ़े ये क्रेस्ट का ब्रिज,
भाई जान शाम के 6 बज चुके हैं और अभी भी हम जो है वो वीरानों में घूम रहे हैं। मंजिल अभी बहुत दूर है हमारी। तो जी ग्वाड़ी पहुंच चुके हैं। ग्वाड़ी, ये ग्वाड़ी का सबसे मशहूर एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा स्लोमो बनते हैं। Myself wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time. Party se nikal rahe hain ab. Next gaon ki taraf. To ji abhi ye hamare left hand mein का पुल जो है वो बड़ा खूबसूरत है, तो हम जरा पुल के ऊपर जाके जरा रुकते हैं, दिखाते हैं आपको लकड़ी का पुल है। तो जी हम पहुंच चुके हैं कुरू। तो अदान भाई, यहाँ से और हमारा जो डेस्टिनेशन है कितनी दूर है? तो बस 15 मिनट की दूरी पर हम मौजूद हैं। इंशाल्लाह 15 मिनट में हम आपको अपनी डेस्टिनेशन में मिलेंगे। बाकी बताएंगे आप अपने गाँव के बारे में कुछ। तो पानी जो है वो फुल आओ ताओ के साथ चल रहा है, और जैसे देख सकते हैं नीचे, ये देखें भाई पानी बहुत तेज़ चल रहा है क्योंकि ग्लेशियर के पिघलने का टाइम है। और वो देखा भाई, आगे बढ़ते हैं क्यों आदान भाई? सफ़र कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि सफ़र जितना करेंगे उतना मज़ा आएगा सफ़र, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो अभी 6:30 होने वाले शाम के, फिर अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा होने से पहले पहले हमने लोकेशन में पहुँचना है। चले आइए हमारे पीछे पीछे आप, ताकि लाइट स्टे करें, फिर सुबह जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो जी यूगू में एंटर हो चुके हैं, रात भी होने वाली है, अभी शायद 15-20 मिनट का सफ़र और बाकी है, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो जी फाइनली रात के कोई 7 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं अपने बापू के गांव घर तक, और बिल्कुल अंधेरा होने के करीब करीब ही है समझ लें, मतलब फटाफट जाते हैं ऊपर।